व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सबको एक सैंपल डाइट दिखाने वाला हूँ जो कि आप फैट लॉस के लिए फॉलो कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखिए, आई होप कि आपको कुछ वीडियो से नया सीखने मिले। आज का वीडियो होने वाला है एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो यूजिंग इंटरमिटेंट फास्ट। आई ऑल्सो आंसर क्वेश्चन फ्रॉम इंस्टाग्राम एट द एंड, सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। उठते ही ब्रश करने बाद फर्स्ट थिंग आई डू इज आई ड्रिंक एप्पल साइडर विनेगर। मैं एक ग्लास में एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर के साथ हनी पीता हूँ। रिकमेंडेड डोसेज ऑफ एप्पल साइडर विनेगर इज 1-2 टेबल स्पून अ डे। ऑप्टिमल रिजल्ट्स के लिए आई सजेस्ट कि आप यही डोसेज को पूरे दिन में इवनली स्प्लिट करके पिए। एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे इट रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल्स, इंप्रूव्स डाइजेशन क्योंकि ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड स्पीड अप कर देता है, इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। और अगर आपको गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती होगी तो फिर ये प्रॉब्लम भी एप्पल साइडर विनेगर से सॉल्व हो जाएगी। अगली चीज़ जो मैं करता हूँ वो है, मैं 3-4 कॉड लिवर ऑयल कैप्सूल्स लेता हूँ। स्टडीज शो दैट अप टू 70% इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। अगर आप वेजिटेरियन हो और आप फिश नहीं खाते, यू शुड कंसिडर एडिंग 7 C's इन योर डाइट। सो गाइस, वो पीने के बाद आई गो फॉर अ 40 मिनट्स वॉक एंड आई डू इट लो इंटेंसिटी स्टडी स्टेट। एंड आई हाईली सजेस्ट, ये जो एंकल वेट्स जो मैंने पहने हुए हैं, आई विल पुट देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दीज आर फॉर जस्ट 400 रुपीज। आई सजेस्ट कि आप भी ले लो। उससे क्या होता है कि whenever you are walking or doing any activity and you wear these, usse you burn a few extra 100 calories. And iske baad wala mera meal hone wala hai my breakfast. And see you then. So guys, I just made this meal. I usually have oats after my walk. Aur uske saath thode se badam. So guys, oats banana bahut hi simple hota hai. Aap bowl mein 1 cup oats measure kijiye. Doodh daliye. मैं ऊपर से सिनेमन भी डालता हूँ। सिनेमन हेल्प्स टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। गैस पे 3-4 मिनट तक कुक करें। बहुत ही हेल्दी मील है, इसका फाइबर कंटेंट भी बहुत हाई है, यानी ये आपको काफ़ी टाइम तक फुल रखेगा। मील का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने मैं ओट्स में 1 स्कूप वे भी डालता हूँ, पर ये ऑप्शनल है। जस्ट आफ्टर आई फिनिश दैट मील, माई मॉम सर की घर पे इडली बनाई है एंड सो आई एम गोइंग टू ईट दैट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज़ें खानी पड़ती है, आपको क्लीन ही खाना पड़ता है, ओट्स चिकन वगैरह ही खाना पड़ता है टू बिल्ड अ गुड फिजिक। जो भी नॉर्मल आपके घर पे जो भी बनता है, जस्ट फीड इट इन टू द कोई भी ऐप ले लो, माई फिटनेस पैल, जैसे आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन, और उसमें आप फिट करके आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खा सकते हो। इट डजेंट हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा ये नहीं खाना है वो नहीं खाना, ऐसा कभी भी नहीं होता। इफ दैट्स द केस देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग। सो गाइस, इट्स टाइम फॉर माय नेक्स्ट मील, और मेरा नेक्स्ट मील है लंच। लंच में जो भी घर पे सब्जी बनी होती है वो, एंड आई हैव अराउंड 4-5 रोटीज, कभी 6 हो जाती है, एंड आई ऑल्सो हैव सम पिकल। अगर आप घर की रोटी का प्रोटीन कंटेंट बढ़ाना चाहते हो तो आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन रोटी के आटा में डाल सकते हो। यहाँ मैंने एज इट इज का प्रोटीन यूज किया हुआ है। इसके 1 स्कूप में 27 ग्राम प्रोटीन होता है। आपको रोटी का आटा बनाते टाइम 1 स्कूप प्रोटीन मिक्स करना है। अगर आपको रोटी में एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करना हो, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। I want you all to do is, कभी भी after you have any meal, right? उसके बाद I want you all to walk for around 10 minutes. खाने के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, जिससे बॉडी में आपका इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और क्योंकि इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन काउंटर ईच अदर, इंसुलिन बढ़ने बाद ग्रोथ हार्मोन यानी मसल बिल्डिंग हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है। जब आप खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक करते हो, आपके इंसुलिन लेवल्स फिर से स्टेबल हो जाते हैं। सो मैं मील खाता हूँ और उसके बाद आई विल वॉक, और बाद आई विल स्लीप फॉर 2 आवर्स शायद, और 2-3 आवर्स, एंड तब तक इट विल बी 4:35ish और मेरा वर्कआउट का टाइम हो जाएगा, एंड आई विल सी यू इन माई प्री वर्कआउट। गाइस, अनदर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन वाज, लंच के साथ आई यूजुअली हैव दाल और राइस, पर क्योंकि आज सुबह मैंने इडली खाई थी
एंड इडली इज द सेम एज राइस सो आई डिड नॉट इंक्लूड दैट यहाँ पे इन माई लंच टूडे. गाइस सो इट्स टाइम फॉर माय प्री वर्कआउट मील. माय प्री वर्कआउट मील इज सुबह का ही, जैसे आई हैड ओट्स एंड जो ओट्स है वही 1 कप ऑफ ओट्स एंड लिटिल बिट ऑफ मिल्क एंड सिनेमन, और उसके ऊपर आई एड इन चॉकलेट वे. सो गाइस आई वेट फॉर अराउंड हाफ एन आवर एंड डू माय वर्कआउट, और उसके बाद आई विल सी यू फॉर माय लास्ट मील ऑफ द डे. गाइस वन सप्लीमेंट आई यूज बिफोर वर्कआउट इज कार्निटिन. गाइस फैट बर्निंग के 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू फैटी एसिड्स. सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट जहाँ से इट विल बी बर्नड ऑफ. फाइनली आता है लास्ट स्टेज ऑक्सीडेशन यानी बर्निंग ऑफ फैट. वर्कआउट के अराउंड हाफ एन आवर पहले कॉफी पीने से आपका एड्रेनालाइन यानी बॉडी का फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है. वर्कआउट के पहले कॉफी पीने की खास बात यह है कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है, लेकिन आपके इंसुलिन लेवल्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता. स्टडीज शो दैट हायर कॉफी कंजम्पशन वॉज लिंक्ड विद लोअर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज. अनदर एडवांटेज ऑफ कैफीन कंजम्पशन इज दैट इट इंक्रीजेस लाइपोलिसिस और थर्मोजेनेसिस यानी अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय योर बॉडी. तो गाइस सिंपल वर्ड्स में लाइपोलिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ बॉडी स्टोर्स फैट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स. ट्राइग्लिसराइड्स में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के हर एटम के बीच एक बॉन्ड होता है. प्री वर्कआउट कैफीन कंजम्पशन से आपके ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और ये बॉन्ड्स ब्रेक होने बाद जब आप वर्कआउट करोगे योर बॉडी विल यूटिलाइज दीज फैटी एसिड्स फॉर एनर्जी. सप्लीमेंटिंग विद कार्निटिन से ये फैटी एसिड्स गेट ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट एरिया. मैं कार्निटिन एज इट इज ब्रांड का यूज करता हूँ. बहुत ही सस्ता सप्लीमेंट है और वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर फैट लॉस. आई हैव लिंक्ड इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो गाइस मेरा यूजुअल डिनर होता है राइस, पेरी पेरी चिकन, और आज मैंने छोले लिए हुए. अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप चिकन को सोया या पनीर से रिप्लेस कर सकते हो. टू समराइज, वन ऑफ द ईजिएस्ट वेज टू लूज फैट इज बाई डूइंग इंटरमीडियंट फास्टिंग. इंटरमीडियंट फास्टिंग में आप दिन में बस 8 आवर के विंडो में खाना कंज्यूम करते हो और 16 आवर्स फास्ट करते हो. इंटरमीडियंट फास्टिंग करने से आपके बॉडी में इंसुलिन कम और ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, विच विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज फैट लॉस. अदर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग आर इट इम्प्रूव्स ब्रेन हेल्थ, इट डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर, इट लोअर्स द रिस्क ऑफ डायबिटीज. उस 8 आवर विंडो में खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट वॉकिंग करनी है. You think I need a new walk? कोई भी मील खाने बाद 10 से 15 मिनट वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वॉकिंग करने से आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबिलाईज हो जाते हैं. सो गाइस आई पुट अ Q&A स्टिकर ऑन इंस्टाग्राम और मुझे थोड़े क्वेश्चंस आए थे. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड्स टू अवॉइड ड्यूरिंग लूजिंग वेट. सो गाइस आपको समझना है कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू लूज वेट व्हाट विल मैटर एट द एंड ऑफ द डे इज अ कैलोरी डेफिसिट. अगर आप यू कैन ईट एनीथिंग यू वॉन्ट बेसिकली, पर अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हो तो फिर यू विल लूज वेट. वेट सिर्फ आप कितने कैलोरीज खाते हो और कितने कैलोरीज बर्न करते हो पर डिपेंड करता है. वेट लूज करने योर कैलोरीज आउट शुड बी ग्रेटर देन कैलोरीज इन. आप इंटरमीडिएंट फास्टिंग फॉलो करने से यही फैट लॉस प्रोसेस ऑप्टिमाइज कर सकते हो. आपने पिज्जा खाया और चिकन खाया और दोनों में कैलोरीज सेम है तो फिर नीदर वन विल मेक यू गेन वेट. कोई भी फूड्स नहीं होते विच यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग लूजिंग वेट, पर अगर आपका एपेटाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर आई सजेस्ट कि सैलड्स वगैरह खा लो, जो जिससे आपका एपेटाइट सेशिएट हो जाए और आप कम खाओ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर यू फॉलोइंग डेविड लेड DUP प्रोग्राम. सो नो आई एम नॉट फॉलोइंग डेविड लेड DUP प्रोग्राम, पर आई हैव फॉलोड हिज फर्स्ट पावर प्रोग्राम, शायद फर्स्ट और सेकेंड आई डोंट रिमेम्बर. इट इज़ बेस्ड ऑन अ पावर बिल्डिंग स्टाइल मेथड जिसमें यू फर्स्ट डू योर पावर लिफ्टिंग स्टफ और इसके बाद यू डू एक्सेसरीज. सो आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वीडियो ऑन हाउ टू गेट फ्रॉम 0 to 2 years इन ट्रेनिंग
diet, bulk cut, etc. So guys, whenever you start training, the first thing you should do is you should prioritize on gaining strength on basically, I wouldn't say the big three, but आप जो भी कर रहे हो, बॉडी वेट भी कर रहे हो, सो ट्राई करो कि यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ और एब्स पे फोकस मत करो व्हेन यू जस्ट स्टार्ट आउट ट्रेनिंग, क्योंकि यू डोंट हैव एनी मसल. यू हैव टू बिल्ड मसल टू शोकेस योर मसल एंड यू हैव टू गेन सम अमाउंट ऑफ फैट टू गेन मसल गाइस. कभी भी मसल बिल्ड करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट देन लूजिंग फैट, सो कीप दैट इन माइंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग यू बल्क. सो I started training at when I was 17, 18 उस टाइम पे और I have my first cut. I have never done a cut. मैं अब तक जब भी ट्रेन करते आए हूँ, जब भी मेरा डाइटिंग से अप्रोच है, I have always been eating in a calorie surplus. So how long you bulked is all my life basically. So the next question is regarding diet chart for muscle gain. So ऐसा कोई diet chart नहीं होता which you have to follow to gain muscle. बस आप protein prioritize करो. जो भी आपका body weight in pounds है, उस उतने ही grams protein consume करो. और eat in a small calorie surplus. और keep strength training, keep gaining strength on whichever movements you do. Next question is how much time does it take to build muscle? So muscle gain is a lifelong process. जैसे मसल गेन जैसे हेल्थ जैसा हो गया, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि यू रीच अ सर्टन पॉइंट, पुट इट ऑन अ पेडिस्टल और फिर यू थिंक कि अरे हो गया, बस मसल गेन हो गया, उसके बाद यू वोंट फोकस ऑन मसल गेन. सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. जस्ट कीप प्रोग्रेसिंग बिट बाय बिट, स्लोली स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स ओवर टाइम एंड यू विल गेट देयर. सॉरी आई एम स्टैमिनिंग अ लॉट क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट वीडियो और आई होप एंड I know कि 10-12 वीडियो करने के बाद आई विल बी अ लॉट बेटर. गाइज वी ऑलमोस्ट रीच्ड 100 सब्सक्राइबर्स एंड आई एम सॉरी इफ आई एम स्टैमिनिंग अ लॉट क्योंकि इट्स वियर्ड फॉर मी टू वॉच माई सेल्फ ऑन कैमरा एंड टॉक एट द सेम टाइम एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर वीडियो. सो गाइज आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम और कोई भी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक्स हो दैट यू वॉन्ट मी टू कवर या फिर बस व्लॉग्स या फिर कुछ भी हो जो कि मुझे बोलना हो तो फिर यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.